नस काट लूंगा, मेरे को बर्फ नहीं मिली ना वहाँ पे। तो ये अभी थोड़े से बढ़िया रोड शुरू हो गए हैं, इतना वाहियात रोड है। मेरा सर यहाँ तक आ गया, मेरे सर में दर्द है। और इस बार मैं सोलो ट्रिप कर रहा हूँ, आइंदा सोलो नहीं करूंगा, या मेरे साथ कोई होना चाहिए था। भाई मुझे अब अपने घर जाना है, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। हरियाणा दिल्ली की गाड़ी तो छोड़ दो, मेरे को यहाँ पे हिमाचल की भी गाड़ियाँ नहीं दिख रही है। और मैं अकेला घूम रहा हूँ, अकेला डोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। आ रहा, ओ खड़ा ही हो गया, रास्ता अब काफी नैरो हो गया। तो गाइज यहाँ हमारा इस रोड ने खून पी लिया है बिल्कुल ही। मेरे को वापिस जाने में यार, मैं पहुंच पाऊंगा दिल्ली इसी रास्ते से? अरे खाली ग्राउंड में चाटू, बर्फ ही नहीं मिल रही यार। गाड़ी के सस्पेंशन से मुझे थोड़ी सी अलग आवाज आ रही है, हॉर्न भी काम नहीं कर रहा है। अब लैंडस्केप अच्छे लग रहे हैं यार। वैसे आओ मत यार, पहाड़ों में अकेले मत आओ। जा चुका हूं, मेरी औलादें होंगी उनको पता है हमारा बाप हिक्किम जा चुका है। चलो, बर्फ जम गई। सामने है चिचम ब्रिज भाई, ये ब्रिज का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी तैसी होने वाली है। मेरा दिमाग इधर से भी दुख रहा है, इधर से भी दुख रहा है। हाय एवरीवन, मेरी अचानक से रोड ट्रिप प्लान हो गई है। यहाँ से मैं सोच रहा हूँ शिमला, शिमला टू काजाब। जो काजाब होके रास्ता है रेकोंग होकर मालून आरकंडा होके, वो रास्ता भी मैप तो नहीं दिखा रहा है। देखेंगे, मनाली जाने का मेरा प्लान नहीं है मनाली से होकर, तो सामान मैंने पैक कर लिया है। और इस बार मैं सोलो ट्रिप कर रहा हूँ, पहली बार मेरी सोलो ट्रिप है। और गाड़ी में रुकने का प्लान है मेरा रात को, तो देखते हैं कैसा जाता है, ठंड भी काफ़ी रहेगी। तो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग फॉर मी और फॉर यू एज वेल। जो मैं वीडियोज़ डालूंगा शायद वो आपको अच्छी लगे। अभी लेट नहीं करते हैं, फटाफट गाड़ी में सामान लोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। गुड़गांव में हूँ मैं, लगभग 7:30 बज रहे हैं और डेट मुझे याद नहीं, 8-9 होगी, देख लो। एक तो जहाँ जॉब वाले नहीं है ना, तो हमें डेट का नहीं पता होता। 8 तारीख है, तो चलते हैं। कैश निकलवाना भी जरूरी है पहाड़ों पे ना, यूपीआई पे डिपेंडेंट मत रहो। तो मैं कैश विड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा चलो, एक बार मैंने मैप में शिमला लगा लिया है, 374 किलोमीटर दिखा रहा है। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ अभी से, कि इसी महीने दिसंबर में ही मेरी कश्मीर की भी ट्रिप प्लान्ड है, तो आप उसके लिए भी एक्साइटेड रहेगा। और लेकिन वो सोलो ट्रिप नहीं रहेगी, आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स। तो एक हाँ है, लेकिन लेकिन एक और चीज अभी से एक और बता देता हूँ। जनवरी और इन फेब्रुअरी आई एम प्लानिंग अ लॉन्ग सोलो ट्रिप, ठीक है? तो वो ट्रिप आपको जरूर मिलेगी और वो काफी दिन की रहेगी, तो उसमें आपको मजा आने वाला है। मैंने सोचा चलो एक छोटी सोलो ट्रिप मार के देख लेते हैं कि मैं कैसे क्या कर पाऊंगा। तो अभी चलते हैं और अभी के लिए बस इतना ही, निकले फ्यूल फुल करवा लूंगा अभी। पेट्रोल तो हो गया, अभी एक और काम जरूरी है गाड़ी के लिए, छोटा सा काम। चलो अब चलते हैं अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली हर तरीके से एकदम फिट है अभी, फ्यूल व्यूल सब पूरा हो गया, तो अब निकलते हैं। ऐप में दिखा रहा 351, लेकिन मुझे कोई देखो जल्दी नहीं पड़ी है। अब मैं अकेला हूँ, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, कोई साथ में नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे पूरा स्ट्रेच करना है, कोशिश करूंगा शिमला क्रॉस कर दूं। 5-6 बजे तक मैं ड्राइव करूंगा, अंधेरे में मैं करूंगा नहीं, दिन के उजाले में गाड़ी ड्राइव करूंगा सिर्फ। और अभी तक तो बस इतना ही प्लान है, रास्ते में खाने पीने के लिए रुकूंगा, बाकी फोटो वीडियोस निकालने के लिए, जिसके लिए मान लो मेन मेरा काम है, तो बस वही सब है। और अपना आराम से तसल्ली से घूम फिर के आऊंगा, 3-4 दिन लगेंगे। अब मैं दिल्ली से बाहर निकल के बात करता हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, अगर चंडीगढ़ वाले रास्ते पे जा रहे हो और यहाँ पे अमरिक सुखदेव यहाँ पे नहीं होके गए पराठा खा के, तो क्या फायदा। तो मैं चाय और पराठा यहाँ पे खा लेता हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया भाई। यहाँ पे अंकल है, गाड़ी साफ करवा रहा हूँ मैं इनसे 100 रुपए में, बाहर से सारा साफ कर देंगे। तो क्या ना, गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है ये देखो, तो फोटो वीडियो साफ आने चाहिए ना।
ब्लैक कलर में ना सबसे बड़ी दिक्कत है, खड़ी खड़ी गाड़ी भी इतनी गंदी हो गई, पता नहीं जैसे कितने दिन से चला के करी हो। एक बार मैं क्लीनिंग करा लेता हूँ गाड़ी की वॉशिंग ना, उसके बाद मैं खाना शुरू करूँगा। अपने सामने ही मैं वॉश करा रहा हूँ, थोड़े डायरेक्शंस मैंने दिए हैं कि कांच या तो सबसे एकदम पहले करो या सबसे एकदम बाद में करो, कपड़ा गंदा रहता है ना, और अलॉय व्हील वगैरह सारे साफ हो रहे हैं अच्छे से, तो एक बार ये मैं करा लेता हूँ, देन आई लेट। भाई बेहतरीन काम करा है अंकल जी ने, बेहतरीन साफ करी है, मैं सामने छोड़ दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया। चले हो गया, गाड़ी शायद या तो लंच के लिए रोकूंगा बीच में और कहीं भी नहीं रुकेगी, फ्यूल व्यूल फुल, और या फिर सीधा शिमला, ठीक है, पर मुझे थोड़ी बहुत तो भूख लग जाएगी तो रोक दूंगा उससे पहले। अभी मैं डेरा बसी हूँ और ये डेरा बस यार चंडीगढ़ के ना बहुत टच में है, तो मेरे को गाड़ी यहाँ पे संभाल के चलानी पड़ेगी, क्योंकि चंडीगढ़ का ऐसा अगर जोर से सांस लोगे तो अभी चलान कट जाएगा, और अपनी गाड़ी का कलर दूसरा है, चेंज करवा रखा है, आरसी में नहीं है, दिस इज इलीगल, मैं फिर से बता देता हूँ इलीगल है, तो अगर अपनी गाड़ी पकड़ी जाती है तो चलान होगा, हॉर्न नहीं बजाऊंगा क्योंकि ये भी मॉडिफाइड है, फिर अलॉयज भी हैं, गाड़ी की बॉडी कॉन्टोर से बाहर थोड़ा निकले हुए हैं, तो मेरे को यहाँ थोड़ा सा ना संभल के गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो ये चढ़ाई शुरू हो गई है, लगभग शिमला से ना 90 किलोमीटर पहले चढ़ाई शुरू हो जाएगी, और भाई साहब आई जस्ट लव हिमाचल प्रदेश फॉर दिस वन थिंग, रोड इतने अच्छे हैं, उत्तराखंड से बहुत ही बढ़िया यार। इसी गाड़ी की पर्ची है किसी और की है? अरे भाई का बात। यार यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है, मैंने तो अभी देखा है, ये देखो आई लव हिमाचल का यहाँ पे है, ये रहा। तो मैं उस साइड से जा रहा था, तो मैं आगे से गाड़ी घुमा कर लाया, एक डेढ़ किलोमीटर आगे से फोटो वोटो खींच के फिर चलते हैं। व्यू पॉइंट तो बढ़िया है, अकेले का ये तो आने का फायदा, जहाँ मर्जी वहाँ मर्जी गाड़ी रोको तो कोई कहने वाला नहीं, अरे छोड़ यार आगे चले क्या रहने, जहाँ मर्जी वहीं गाड़ी घुमा दी। यहाँ पे भाई फोटोग्राफर भी घूम रहे हैं, तो किसी को फोटो अगर क्लिक करानी हो तो 200 रुपये की ना चार फोटो फ़ोन के अंदर सिर्फ ट्रांसफ़र करवानी हो, प्रिंट के 100 रुपये एक फ़ोटो के शायद, या पता नहीं चारों के, आई डोंट नो, बट चार फोटो आपको फ़ोन में दे देंगे क्लिक करके, अपने कैमरा से क्लिक करके। तो ये मिररलेस या DSLR लेके घूम रहे हैं, तो बस चलो खाना पीना करना है यार एक तो। अभी यहाँ रास्ते में यहीं रुका हूँ मैं, वो फ़ोटो वोटो खिंचवाई ना उसके पास ही है, शुद्ध वैष्णो ढाबा, और ये गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था तो इसमें हवा भरी अपने इन्फ्लेटर से, तो चलते हैं अंदर, व्यू तो ठीक लग रहा है भाई ये। भाई व्यू ये देखो, और एक यहाँ से ऊपर जा सकते हो, वहां से यू कैन एंजॉय बेटर व्यू। अब देखो यहाँ से, तो खाना आ गया, ये थाली है, दाल मखनी है, रायता है, ये कोई सी तो सब्जी है, सलाद है, ये दो रोटियां हैं, राइस है, 180 रुपए की थाली है, खा के देखते हैं क्वालिटी। खाना हो गया, अच्छा था खाना, राइस थोड़े सही नहीं लगे, ये इनकी गाड़ी के ना टायर पंक्चर था, ऑल्टो का ट्यूब वाला टायर, तो मैंने इन्फ्लेटर दे के हेल्प कर दी थी। देखो रास्ता वैसे तो ठीक है, लेकिन जैसे सोलन से निकलोगे ना उसके शिमला की तरफ, तो कहीं कहीं पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, रोड टूटा हुआ है थोड़ी बहुत जगह में,
तो डाइवर्जेंस बना रखे हैं, कहीं कहीं पे रॉन्ग साइड में व्हीकल आना ऐसे शुरू हो जाएंगे, कहीं पे लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ थोड़ा रास्ता बंद हो गया था, उसकी सफाई चल रही है, तो ऐसा जाम नहीं लगेगा कहीं भी, निकलते रहोगे तो उसकी टेंशन मत लो। देखो जैसे सामने वो टूटा हुआ है तो उसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो उस साइड का ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया, तो ये काम तो चल रहा है। तो सोलन के बाद इतना स्मूथली नहीं चलोगे, मतलब इतना स्पीड में जितना पहले चल रहे थे ना उतना यहाँ नहीं होएगा, तो अपना यहाँ संभल के चलना। और हो सकता है कि भाई आप क्या पता कितना बाद में आओगे, तब तक ये ठीक भी हो जाएगा। इसके फाइनल डेस्टिनेशन ना हो जाए यार, मैं इससे दूर ही रखूं तो ठीक है थोड़ा, या तो इसको मैं ओवरटेक करूं एक बार सीधा रोड दिखे तो। मिरर नीचे करके देखो, बच गया। तो अभी सूर्यास्त का समय हो चला है और शिमला तो मैं क्रॉस कर दूंगा, मैप दिखा रहा है मेरे को 5:30 बजे, तो वो तो मैं क्रॉस कर दूंगा, शिमला में नहीं रुकेंगे। अभी मैं हूँ शिमला से 8-9 किलोमीटर पीछे और मैंने मैप में डायरेक्ट डाल दिया है रेकोंगपियो, ठीक है। और यहाँ पे +8 आ गया, +14 था। अब पता नहीं शिमला के लोकल जो चुंगिया लोकल टोल कटेगा उसका जाम है किस चीज़ का है, वो तो नज़दीक जाने पे पता चलेगा, शायद उसका तो नहीं है क्योंकि वो 8-9 किलोमीटर पहले तो नहीं कटेगी, रेस्ट आई एम नॉट श्योर, बाकी मैं बता दूंगा। एक दिक्कत जो मुझे आ रही है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको काजा जाना है या तो शिमला रेकोंग होते हुए निकल जाओ या फिर मंडी मनाली होते हुए निकल जाओ। अब मैं शिमला आ चुका हूँ, यहाँ से जब मैं मैप में डाल रहा हूँ काजा तो कह रहा वापस मंडी जाओ मनाली होते हुए जाओ, मैंने बीच में एड स्टॉप डाल दिया शिमला से आगे रेकोंग, रेकोंग को एड स्टॉप डाल दिया, कह रहा रेकोंग से वापस शिमला आओ, आगे मत जाओ वापस शिमला आओ मंडी मनाली ऐसे जाओ, तो रेकोंग से आगे का रास्ता नहीं दिखा रहा काजा तक का। अब उसमें क्या गड़बड़ है दैट आई डोंट नो, लोकल से मैंने पूछ लिया, कह रहे रास्ता तो खुला है, थोड़ी बहुत बर्फ जरूर पड़ी है, गाड़ी निकल जाएगी। तो अब मैं शिमला के अंदर जैसे एंटर होऊंगा ना तो मैं पुलिस वालों से पूछूंगा एक बार कि क्या सीन है रास्ते का, क्योंकि रेकोंग यहाँ से 228 किलोमीटर है, मैंने चाह रहा मैं वहां तक जाके वापस लौटूं कि आगे रास्ता बंद है एज सच, तो देखते हैं। ये जाम भाई हटके नहीं दे रहा, तब तक चलो आपसे एक विचार अपना शेयर करता हूँ। जैसे पहली सोलो ट्रिप थी तो देखो अभी तक तो मुझे एज सच कुछ अलग नहीं लग रहा है कि सोलो ट्रिप है, मैं तो बोर हो गया या मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे अभी तक शिमला में आ गया हूँ लगभग 400 कुछ किलोमीटर कवर करके, तो यहाँ तक तो नहीं लग रहा कि आइंदा सोलो नहीं करूँगा या मेरे साथ कोई होना चाहिए था, मुझे नींद आ रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मस्त गाने सुनता हुआ आया हूँ और जो मन में आया मेरे जो गानों के लिरिक्स थे। ये यहाँ कुछ जाम है, ये यहाँ से नीचे से गाड़ी आ रही है, उनकी एंट्री हो रही है, वहाँ शिमला का बोर्ड लगा है, वो रहा उधर, तो फिर रुकवा दी, पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं गाड़ी में, हाथ लगा के चेक कर रहे हैं गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं। हाँ यही चेक कर रहे थे शायद, तो मैं कह रहा था कि भाई मस्त गाने सुनते हुए आया हूँ, जो मेरे मन में लिरिक्स आए जो मर्जी मैं बोलता गया, कोई मुझे जज करने वाला नहीं है, भाई यहाँ रोक दे यहाँ मत रोक, चल यार चलना क्या करेंगे आगे खाएंगे थोड़ा और आगे चल, कुछ भी नहीं, जो मेरा मन करा मैं करता गया, मस्त आई एंजॉय माय ओन कंपनी, मैं अकेला फील नहीं करता, मुझे अकेला रहना बड़ा पसंद है, आई एंजॉय माय ओन कंपनी जैसे मैंने अभी बताया, तो बहुत है भाई मैं तो सोलो ट्रिप करूंगा इसके बाद भी। बस जो एक दिक्कत सोलो ट्रिप में मुझे अभी तक फील हुई है, मेरी फोटो क्लिक करने वाला कोई नहीं है, या मैं गाड़ी की फोटो क्लिक करने वाला, जैसे अब भाई मैं इस तरीके का कंटेंट बनाता हूँ कि गाड़ी से रिलेटेड है, तो गाड़ी अगर मूव करते हुए कोई वीडियो बनाएगा बाहर से तो उसके लिए आई नीड सेकंड पर्सन, बस वो एक जो है मेरे को कमी खलती है, रेस्ट आई डोंट फील द नीड ऑफ सेकंड पर्सन इफ आई एम ट्रैवलिंग। पुलिस वाले जो ग्रिल में हाथ लगाए ना, मैं सोच रहा है यार कहीं पेंट वो ना पकड़ लेगी, पीपीएफ हो रखी है, बट ये उतना ध्यान से नहीं देखते, इनका काम थोड़ा सा ना ट्रैफिक को मैनेज करना होता है। यहाँ पहाड़ों में इसके फोग लैम्प ना बहुत सही काम आ गए, अभी देखना ऑन करूंगा के देखो विजिबिलिटी अलग ही होगी, ऑन ही रखूंगा मैं तो, क्योंकि जब पहाड़ों पे टर्न लेते ना
सिर गिर गया, स्क्रीन तो नहीं गई, ये अलग है यार। अभी मैं कुफरी में हूँ, कुफरी में सोचा मेरे भी यही 6:30-7 बज गए, सोचा यहीं रुक जाऊँ, लेकिन कुफरी की मार्केट बहुत छोटी है, बर्फ रफ के नाम पे कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, कमरे हैं, तो ये लोग ये पनीर पराठा मैंने बनवाया, बिस्किट वगैरह ले कर रख लिए कुछ, तो ये कह रहे हैं यहीं रुक जाओ, आगे कहाँ जाओगे, तो अभी तक तो यहीं है। एक मन तो कर रहा है यहीं रुक जाऊँ रूम लेके, एक मन कर रहा है गाड़ी में रुक जाऊँ। गाड़ी में रुकने का मेरा मन था बर्फ बर्फ के बीच ना, एकदम गाड़ी रोक के जब सुबह उठूँ तो नज़ारा ही अच्छे मिले, वो प्लान था, लेकिन अभी बर्फ बर्फ तो देखो यहाँ तक तो है नहीं। काजा कल सुबह निकलूंगा काजा के लिए, और दिन दिन में पहुँच जाऊँगा, 400 कुछ किलोमीटर है, और यार तो रुक जाऊँगा गाड़ी, गाड़ी रोकने के लिए तो ढंग की जगह चाहिए, एकदम सुनसान जगह पर भी नहीं रोक सकते गाड़ी, होटल वाला कोई पार्किंग देगा नहीं जब तक रूम नहीं लेंगे, तो देख रहा हूँ कोई मेन मार्केट के बीच में कोई ढंग की सी जगह है, आसपास थोड़ी रौनक हो, जैसे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर, एक बार यहाँ जाके देखूँगा नीचे। देखो अभी कुफरी में मैं रुका हूँ और टेम्परेचर 4 डिग्री है, तो गाड़ी का सोने का इंतज़ाम करते हैं, गाड़ी के अंदर बिस्तर लगाते हैं, तो डिक्की तो यार मेरे वेट की वजह से ना नीचे गिर रही है, तो डिक्की वाला व्यू नहीं मिल रहा है, तो मेरे को ना सबसे पहले डिक्की से सामान निकाल के आगे सीटों पर रखना पड़ेगा। चलो काम शुरू करते हैं, ये वाली सीट तैयार भी तो रखूँ, इन केस कुछ भी इमरजेंसी होती है तो मैं फटाफट गाड़ी को लेके भाग सकूँ, तो ये सीट पोजीशन में होनी चाहिए। अरे यार पार्सल ट्रे छोड़ के आनी थी घर पे, ये ले ही आया मैं, ये तो समस्या है। अब आता है मेन काम, एक बार ये ब्लैंकेट बिछाना है, टास्क तो है भाई गाड़ी में सोना ना, खासकर इस जैसी गाड़ी में सोना। पार्सल ट्रे हटानी बिल्कुल ही भूल गया, ये कंबल डाल दो पीछे अब। अरे यार तकिया और भूल गया, एक तो मेरी याददाश्त, कोई ना फर्स्ट ट्रिप है ना, गलतियां तो होंगी। देखो अब मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसा हो गया, ये कंबल बिछा दिया मैंने यहाँ तक, थोड़ा सा जूम आउट करूँगा तो लाइट ख़राब हो जाएगी, चलो कोई नहीं, बस बस पैर सिकोड़ने पड़ेंगे, मैं जूते निकाल दूँ तो भाई। अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर और जूते आगे निकाल दिए, पार्सल ट्रे ये रहे, पार्सल ट्रे यहाँ रख दी आगे वाली सीट लत पत, ये मैंने खाली इसलिए छोड़ी है, बाई चांस कुछ भी होता है तो मैं फटाफट बैठ के गाड़ी मैंने रिवर्स करके भी इसलिए लगाई, सामने रोड है तो तुरंत गाड़ी निकाल दूँ। खाने पीने की अगर भूख लगी तो गोंद के लड्डू हैं भाई मम्मी ने दिए थे, बाकी कुछ नहीं है। लेट्स सी हाउ विल बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, अब सोने की तैयारी करता हूँ, सुबह 6 बजे निकलूँगा। कल का देखो ऐसा है कि 420 किलोमीटर के आसपास है और मेरे को पूरा दिन लग जाएगा क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है, तो शायद मैं पूरा दिन में नहीं पहुँच पाऊँगा काजा तक, बीच में पू है या पो है वहाँ तक मेरे को रुकना पड़ेगा, और जो भी होगा वो देखते हैं, अभी के लिए तो सोने की तैयारी करता हूँ। तो ये आज कुछ था फर्स्ट डे में, और कल होप सो हमें शायद स्नोफॉल देखने मिले या बर्फ एटलीस्ट वहाँ पे मिले जिसके लिए मैं जा रहा हूँ।